देश के युवाओं को तुमने बर्बाद कर दिया, देश की बहनों को तुमने बर्बाद कर दिया, देश के भाइयों को तुमने बर्बाद कर दिया। झूठा, तुमको जाना होगा, तुमको जाना होगा। और मत जाओ इसलिए एनआरसी पर हमको ये बेवकूफ मत बनाओ। हम जानते हैं कौन क्या, तुम्हारा बाप भी जाएगा तो यहाँ से कोई वापस तो नहीं जा सकता। कौन क्या, तुम्हारा बाप भी आ जाए तो भारत के नागरिक को कहीं भेजने की जरूरत नहीं। हम जान रहे हैं लेकिन हम जानते हैं कि मेरी गरीब जनता, मेरी जनता, अशिक्षित जनता, तो तुम बहुत अच्छे तरीके से गुर्बत बनाते हो। दिल्ली का चुनाव है, पाकिस्तान का नाम ले रहा, बताइए दिल्ली के चुनाव से पाकिस्तान का क्या लेना देना है? दिल्ली का चुनाव है, शाहीनबाग का नाम ले रहा, तुमको शाहीनबाग में इतना प्रॉब्लम का है भाई, तुमको दिक्कत का हो रहा है शाहीनबाग में शाहीनबाग की, वो जिसके लिए तुम मरे जा रहे थे तीन तलाक में, वो शाहीनबाग आज के डेट में तुमको बड़ा चुभ रहा है। क्या एलिगेशन लगाते हो? 500 रुपया लेके मेरी बहन बैठी है, झूठा की सरकार, मेरी बहन बैठती है तो खुलेआम बैठती है, गुफा में नहीं जाती है, गुफा में नहीं बैठती है। जाके समझाओ राम रहीम को, हमारी बहनें राजिया सुल्ताना की तरह, रानी लक्ष्मीबाई की तरह है। हमारी बहनें गुफा में नहीं बैठती है, इसलिए कुछ बोलो तो सोच के बोलो। और तुम चलो ना, और हमारे तमाम इंटेलेक्चुअल लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आपके यहाँ भी एक साजिश चल रही है, आपके यहाँ भी एक साजिश चल रही है। बहुत हमारे लोग हैं जो आजकल बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और नहीं चलाता है तो देश बचाने के लिए यहाँ बैठा हुआ। इम्तहान मत लो, गांधी के वंशजों का इम्तहान मत लो, लोहिया के वंशजों का इम्तहान मत लो और हमारे बाबा साहब अम्बेडकर के वंशजों का इम्तहान मत लो। चूंकि जब तुम सोचते हो ना तो हम लोग नहर के पास डर चुके होते हैं, कुछ विचार करते हो ना तो हम लोग नदी पार कर चुके होते हैं। नहीं, ये मेहनत कसका औलाद है, ये बैठ के खाने वाले का औलाद नहीं है, ये उसका भी औलाद नहीं है जो मरेगा तो माल मिलेगा, जिएगा भी तो माल मिलेगा, ये उसका भी औलाद नहीं है। ये भारत के शोषित गरीब जनता है, इसलिए उसको चिंता नहीं है। भारत को बचाएंगे, भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करेंगे, और अगर खून भी देना पड़े ना तो दे देंगे। इतनी शहादत दिए है कि अब तो पुरखा का नाम भी याद नहीं आता है, इतना दे दिए और इतना दे दिए हैं कि जाके इंडिया गेट जाओ, नाम पढ़ते पढ़ते तुम्हारा दादा मर जाएगा।